हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फिट फूड फ्लेवर्स और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। तो आज हम बनाएंगे हालिम, आलिव या गार्डन क्रेस सीड्स का मिल्क, जो हार्मोनल बैलेंस के लिए और वेट लॉस के लिए अमेजिंग है। सो आलिव्स जो हैं वो प्लांट बेस्ड इंडियन सुपर फूड्स हैं, जिनके बहुत सारे अमेजिंग बेनिफिट्स हैं, जिनके बारे में मैं ऑलरेडी पिछले हफ्ते जो मैंने वीडियो पोस्ट किया था इन द सीरीज नो योर इंग्रेडिएंट, उसमें मैं पोस्ट कर चुकी हूँ। सो हालिम सीड्स आर हाईली न्यूट्रिशियस, उसके अंदर कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, प्रोटीन, आयरन, फॉलिक एसिड, डाइट्री फाइबर और ओमेगा 3 आपको मिलता है। आलिव या गार्डन क्रेस सीड्स का जो ये मिल्क है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है उन फीमेल्स को हु आर गोइंग थ्रू एनी हार्मोनल इम्बैलेंस या फिर वेट लॉस के लिए जो ट्राई कर रहे हैं। सो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1 टीस्पून लिया है आलिव सीड्स। अगर आपने इससे पहले कभी भी आलिव सीड्स को ट्राई नहीं किया है, कंज्यूम नहीं किया है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप स्टार्ट करें 1/4 टीस्पून की क्वांटिटी से और ग्रेजुअली इसे इंक्रीज करें विंटर्स के आने तक, और उससे ज़्यादा कंज्यूम ना करें। आई हैव सीन वीडियोस जहाँ पे 1 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून हालिम सीड्स को लेकर रेसिपी प्रिपेयर की गई है, बट दैट इज़ नॉट हेल्दी। आई थिंक द राइट क्वांटिटी मैटर्स अ लॉट। इसमें आप इसको सोक करेंगे, मैंने अप्रॉक्सीमेटली 2 टेबलस्पून यहाँ पर पानी लिया है जिसमें मैंने आलिव सीड्स को सोक किया है, उसे अच्छी तरह हम स्टर करके मिक्स कर देंगे और अब इसे सोक करने के लिए हम छोड़ देंगे 1 घंटे से 4 घंटे के लिए। ये जो सीड्स हैं जस्ट लाइक चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स, ये पानी को सोक कर लेंगे, लिक्विड को सोक कर लेते हैं और स्वेल अप हो जाते हैं और आपको जेल जैसी कंसिस्टेंसी मिलती है सोक होने के बाद। तो इनके अंदर लैक्सेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपके स्टमक के लिए बहुत अच्छा है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी ये सीड्स बहुत अमेजिंग हैं। अब अपने डिलिशियस से मिल्क को प्रिपेयर करने के लिए मैंने यहाँ पर सोक किए हुए आलिव्स लिए हैं, 2 डेट्स लिए हैं एज अ नेचुरल स्वीटनर। आप हनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन उसे आप बिल्कुल एंड में ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर लिया है पीनट बटर, बहुत ही थिक और क्रीमी टेक्सचर आता है, बहुत ही यमी लगता है अगर आप ऐड करेंगे इसको। पिंच ऑफ सिनेमन जो ऑप्शनल है और 1 टीस्पून यहाँ पर कोको पाउडर मैंने लिया है। अगर मिल्क की बात करूँ तो मैंने डेरी मिल्क का इस्तेमाल किया है, लेकिन अगर आप वीगन हैं या फिर आप मिल्क को अवॉइड करते हैं तो आप किसी भी तरह का प्लांट मिल्क ले सकते हैं, जैसे कि सोया मिल्क, कोकोनट मिल्क, आमंड मिल्क। तो इसे प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हम ब्लेंडर में डेट्स और थोड़े से दूध को ऐड करेंगे। डेट्स के आप सीड्स रिमूव कर दीजिएगा। अब इसमें हम पीनट बटर और कोको पाउडर और सिनेमन ऐड करेंगे और इसे एक स्मूथ पेस्ट बनने तक अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे। अब एक पैन में जो बाकी बचा हुआ दूध है उसे हम हीट अप करेंगे अच्छी तरह से। जब एक बॉईल आ जाएगा तब मैंने अपने सोक किए हुए सीड्स ऐड कर दिए हैं। अगर आप चाहें तो सीड्स ऐड करने के बाद थोड़ा सा दूध को रिड्यूस कर सकते हैं, अदरवाइज आप सीधा इसमें जो पीनट बटर, डेट और मिल्क का ब्लेंडेड मिक्सचर है वो ऐड कर देंगे। इसे स्टर करना है, जैसे ही आप ये मिक्सचर ऐड करेंगे उसके बाद अगर आप इसे स्टर नहीं करेंगे, ऐसे हिलाएंगे नहीं, अदरवाइज चांसेस आर कि वो नीचे बॉटम में स्टिक होने लग जाएगा, इसीलिए स्टर करना बहुत ज़रूरी है। और इसमें जब एक बॉयल आ जाएगा तो आप हीट को बंद कर दीजिए। नाउ सर्व दिस डिलीशियस सुपर हेल्दी सुपर अमेजिंग मिल्क ईदर इन नाइट और इवनिंग। ये बेस्ट है कंज्यूम करने का ऑन दी ऑनसेट ऑफ विंटर्स या फिर विंटर सीजन में। पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद मदर्स को अगर आप देंगे तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। इफ़ यू आर अ फीमेल और कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस है, फैट बर्निंग के लिए, बेली फैट के लिए, वेट लॉस के लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी है ये। अगर आप इसे ट्राई करते हैं तो अपने पिक्चर्स और इसका फीडबैक मेरे साथ इंस्टाग्राम पर शेयर करना ना भूलें। दिस रेसिपी सर्व्स 1 पर्सन और भी फिटनेस एंड न्यूट्रिशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे दूसरे चैनल फूड फिटनेस एंड फन को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव एंड स्टे हैप्पी। आई विल बी बैक वेरी सून। बाय बाय।